आपका। एमपी की पहली सोलर सिटी सांची का लोकार्पण आज सीएम शिवराज करेंगे। सोलर सिटी सांची का लोकार्पण रायसेन जिले के सांची स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। 13,747 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी। सालाना लगभग 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की होगी बचत। सोलर सिस्टम से 3 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। नीलम हमारे साथ जुड़ गई हैं एक बार फिर से। नीलम, सोलर सिटी सांची का लोकार्पण आज होने जा रहा है, कितने बजे का कार्यक्रम रखा गया है? जी बिल्कुल, देखिए आज देश की पहली सोलर सिटी जो है सांची, उसका लोकार्पण होने जा रहा है। दोपहर 1 बजे से ये कार्यक्रम होगा। तो वही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम में शाम को 4 बजे शामिल होंगे और सोलर सिटी का लोकार्पण करेंगे। देखिए बेहद महत्वपूर्ण कदम है ये। जिस तरीके से पूरी दुनिया में कोशिश की जा रही है की जो नेट जीरो इमर्शन है यानी की कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है उसे कम किया जाए, तो उस और जो है मध्य प्रदेश सरकार का ये बेहद अहम कदम माना जा रहा है, क्योंकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा और उसके साथ ही साथ 7 करोड़ तक की जो बिजली का खर्चा होता है वो उसे बचाया जा सकेगा। और इसके अलावा भी कई तरह के फायदे जो है सांची सोलर सिटी जब बनेगी तो उससे आम जनता को और पर्यावरण को मिलेंगे। खासतौर पर नागरिकों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर के जागरूकता आएगी। और इसके अलावा क्योंकि सांची एक टूरिस्ट सिटी भी है तो इको फ्रेंडली टूरिज्म को भी जो है बढ़ावा मिलेगा। साथ ही जब सोलर सिटी बन जाएगी तो यहाँ पर जो है बैटरी से संचालित होने वाले ई रिक्शा चलाए जाएंगे, जिससे कि शहर के जो स्थानीय लोग हैं उन्हें एक रोजगार भी मिलेगा। तो कई तरह की यहाँ पर जो है सांची सोलर सिटी बनने के बाद फायदे होंगे और ये कहीं ना कहीं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी बेहद महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जी जी बिल्कुल नीलम, और कहीं ना कहीं इससे काफी ज्यादा फायदा भी मिलने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका। भोपाल से बड़ी